ये जो वड़िया है ना, ये हम सभी की फेवरेट होती है, पारंपरिक होती है और हमारी दादी नानियाँ इसे बहुत ही इंटरेस्ट से बनाती हैं। तो बस वही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये व्हाइट पम्पकिन। तो मैंने यहाँ पर 3 kg व्हाइट पम्पकिन लिया है। ये छोटा पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे पोर्शन में कट कर देना है और इसे हमें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके ही हमें इसे इस्तेमाल करना रहता है। तो हमें इसे छोटे छोटे पोर्शन में कर देना है क्योंकि हमारे पास बड़ा वाला ग्रेटर नहीं है। जो हम घर में नॉर्मल ग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं ना, वही इस्तेमाल करेंगे। इसको क्रश करने के लिए या कद्दूकस करने के लिए इसका ग्रेटर अलग से आता है, बड़ा सा। तो यहाँ पर ये मोटे दाने वाला जो हमारा क्रश होता है ना, इससे हम क्रश कर लेंगे। पीसना नहीं है इसको, बस इस तरह से कद्दूकस करना है। जब हम इसको कद्दूकस करेंगे तो इसमें से बहुत सारा पानी रिड्यूस होगा, जिस पानी को इस्तेमाल हमें नहीं करना है। उसकी मैंने एक बहुत ही यम्मी रेसिपी बताई है आपको। आप जा सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने भिजोरे की रेसिपी भी शेयर की है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो सभी को हमें कद्दूकस कर लेना है और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है इसे हमें नहीं लेना है। तो कोमड़ा लेते समय, व्हाइट पम्पकिन लेते समय आप देख लें कि वो थोड़ा हैवी टाइप का हो, जिससे कि इसमें ज़्यादा सा ये जो गूदा मिलेगा ना, वो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने सारा ही कद्दूकस कर लिया है पम्पकिन को। ये देखिए काफ़ी सारा पानी इसमें से रिड्यूस हो रहा है ना। इसके बीजे वगैरह हमें अलग नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने एक सूती कपड़ा ले लिया है, सारा हमने कद्दूकस जो किया हुआ है वो इसमें रख देना है। नीचे हमने एक स्ट्रेनर लगा लिया है जिससे कि पानी में डिप ना हो, और इसे अच्छी तरह से हमें बांध कर रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। अगर इसमें पानी रहेगा तो बरी या भिजौरे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। तो ये देखिए सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से बांध लेना है हमको। बांधने के बाद इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें, जैसे कि सारा पानी, जैसे कि हम पनीर के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वही प्रोसेस करना है हमको। और इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर देखिए सारा पानी निकाल देना है, और जो बचा कुचा पानी है वो हम इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देंगे तो वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो सारा पानी हमने निकाल दिया है, काफ़ी सारा ये देखिए पानी निकल चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये डिब्बा हमने लिया है, इसके ऊपर इसको सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम भारी वाली चक्री, जो पत्थर वाली चक्री होती है या आपके पास सिल होता है वो रख दें, या फिर आप कोई भी खलबट्टा वगैरह भी रख सकते हैं। और इसको दबा कर रखना है जिससे कि इसका पानी अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए। पानी जब तक निथर रहा है तब तक हमने यहाँ पर ये 1.5 kg ले ली है उड़द दाल। तो आप हाफ एंड हाफ रखें, यदि आपने 3 किलो कुमड़ा लिया है तो आप 1.5 kg के लगभग ही दाल को रखें, जिससे कि दाल कम और कुमड़ा ज़्यादा हो। उससे हमारी बहुत ही बढ़िया वड़ियाँ बनकर तैयार होती है। इसे पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, चम्मच से चंच कर लें और बस इस तरह से सूखा सूखा पेस्ट हमें निकाल देना है। तो ये देखिए हमने सारी दाल को पीस लिया है बहुत कम पानी के साथ। अब यहाँ पर हमने 1/2 kg अदरक लिया है। अदरक को भी हमें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देना है। किसी भी चीज़ को पीसना नहीं है, पीसने से अलग टेस्ट आता है, चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। तो आप इस तरह से इसको कद्दूकस करें, क्योंकि हम ये सालों साल के लिए रखते हैं ना। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर ये हमारा जो पम्पकिन था इससे पानी निकाल दिया है। अब हम इसको निकाल देते हैं हमारे एक बड़े से परात में, क्योंकि काफ़ी सारा है ना। इसे बनाने में बहुत कम सामान लगता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस अगर आप सही तरीके से करते हैं ना, तो ये सालों साल ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है ये। अब इसे हम पलटा देंगे, सारे कद्दूकस को हम अच्छी तरह से फैला देंगे और इसमें हमारी दाल मिक्स कर देंगे। इसको अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए इसको बहुत ही बढ़िया फेंटना पड़ता है। अब हम इसमें हमारी सारी दाल भी डाल देंगे। अब हमें क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक इसे कंटिन्यू अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटने से ये फ्लफ़ी होगी, और जब ये सूखने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जी बनाएंगे या दाल में डालेंगे, तो ये वड़ियाँ बहुत ही अच्छी तरह से घुल जाएंगी। तो आपको फेंटना बहुत ही बढ़िया तरीके से है। फेंटने में ना ही पानी का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी और चीज़ का। तो ये देखिए हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे फेंट रहे हैं। कंटिन्यू आप इसी तरह से इसे फेंटते रहें। दाल हमारी काफ़ी अच्छी तरह से फिट गई है। ये देखिए कंटिन्यू मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो हमने यहाँ पर अदरक कद्दूकस करके रखा था, वो भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम सूखी हुई लाल मिर्च ली है, तो इसे हमने तोड़कर डंठल और बीच से कट कर दिया है, तोड़ दिया है, तब डाला है। पाउडर बिल्कुल भी ना डालें, वरना फिर ये खाने लायक ना रह जाएंगी, क्योंकि बहुत तीखी हो जाएंगी।
सूखी मिर्चों का ही इस्तेमाल करें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देंगे हींग। तो मैंने यहाँ पर एक पूरा टेबलस्पून भर के डाला है। अच्छी वाली हींग डालें आप, जिससे कि अच्छा फ्लेवर और इसमें बहुत ही बढ़िया महक आए। तो मिक्सचर हमारा जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो आपने देखा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगे हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस अगर आप जान लेंगे तो आप जितनी चाहे उतनी बढ़िया बना सकते हैं, महीनों तक सालों तक स्टोर कर सकते हैं, अपने घर में सभी को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद होती हैं। वड़ी, भिजौरे, पापड़, अचार, ये एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी है कि इसका हर कोई दीवाना होता है। सबके अलग अलग देश का अलग अलग तरीका, अलग अलग पैटर्न होता है बनाने का। आपके यहाँ पर कैसे बनाया जाता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा ये प्रोसेस अच्छा लगा हो, ऑथेंटिक पारंपरिक लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया से अब रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लेंगे हाथों में, और इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स जैसे बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े ना करें, ना बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत ही छोटे हो जाएंगे। और जब आप इन्हें कुक करेंगे ना, तो फिर ये बहुत बड़े बड़े साइज़ ले लेंगे। तो आप मीडियम साइज़ के बनाएं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक थाली या प्लेट में बता रही हूँ, आप इन्हें सिंपल धूप में ले जाकर कपड़े में डालें, और कपड़े में डालने के बाद आप इसे एक दिन बिल्कुल भी टच ना करें। इसके बाद आप उसको दूसरे दिन जब ये थोड़े ड्राई हो जाएं, तब आप इन्हें पलट दें। 5 से 6 दिन इन्हें अच्छी तरह से धूप में डालें। धूप में जितने ही अच्छे सूखेंगे, उतने अच्छे ये सूखे सूखे होंगे और काफ़ी सालों तक ये चल सकेंगे। तो मैंने इन्हें धूप में सुखा लिया है 1 हफ्ते तक। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से सूख गई हैं, बहुत ही अच्छी ये बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। अब इन्हें हम एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे, और जब चाहे तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, सालों साल ख़राब नहीं होने वाली हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।